हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल रेजोनेंस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आ गया हूँ आपके नॉलेज को एनहेंस करने। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और घंटे का बटन दबाइए, जिससे कि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पहले प्राप्त हो सके। आज हम ASUS के गेमिंग ग्राफिक्स कार्ड के बारे में देखते हैं, इसे अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं हमें इसे क्या 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 मिल सकता है। ओके, अनबॉक्स करते हैं। फ्रेंड्स, स्टिकर हटाने के बाद ये हम यहाँ से ओपन करते हैं। ओपन कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये देखिए। ओके, तो सबसे पहले मैं जैसे देख पा रहा हूँ, इसमें एक ग्राफिक्स कार्ड है, कुछ बैंड है यहाँ पर दिए हुए, और ये कुछ स्टिकर्स हैं जो हम यहाँ पर ग्राफिक्स कार्ड में लगा सकते हैं। ओके, और इसमें देख सकते हैं, इसमें हम यूज़र मैनुअल गाइड है एंड एक डीवीडी है सॉफ्टवेयर के लिए। फ्रेंड्स, अब हम इसे देखते हैं, इसमें क्या है फंक्शन। फ्रेंड्स, देखने में कितना प्रीमियम लुक दिखता है ये, आपको मैं इधर भी दिखा देता हूँ इसका लुक। फ्रेंड्स, इसे आप देख सकते हैं, ये कुछ यहाँ पर वीडियो आउट के लिए चार हमें ऑप्शन हैं, हम किसी के भी जरिए वीडियो आउट ले सकते हैं। जैसे कि मैं आप खोल कर दिखाता हूँ फ्रेंड्स, ये वीडियो का एक का है, ये HDMI का है, ये फ्रेंड्स ये DVI के लिए है, एंड फ्रेंड्स ये भी एक DVI के लिए है। हम फ्रेंड्स DVI से भी आउट ले सकते हैं, इस DVI से भी आउट ले सकते हैं, HDMI से भी आउट ले सकते हैं और वीडियो आउट से भी आउट ले सकते हैं। ये फ्रेंड्स कुछ डक्ट बने हुए हैं जो एयर कूलिंग को और अच्छा करता है। इसके फैन भी बहुत अच्छे हैं, कूलिंग फैन। फ्रेंड्स, ये हमारे मदरबोर्ड में अटैच होने वाले स्लॉट में लगेंगे ये फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अब हम इसमें देखते हैं हमारे इस बॉक्स में क्या क्या मेंशन है। फ्रेंड्स, ये 8GB मेमोरी का है और GDDR5 है, यानी कि स्पीड इसकी बहुत अच्छी है, GDDR5 अच्छी स्पीड होती है। OCA एडिशन भी है, ये मतलब ये काफ़ी अच्छा है, ये ASUS ब्रांड है ये, और RADEON RADEON RX570 मॉडल है इसका।